So beta, this is electrophilic substitution. The last reaction of ether. You will take any ether. Like if I take this one, and you can do halogenation like chlorine, AlCl3. Nitration, HNO3, sulfuric acid. You can even go for sulfonation. You can even go for Friedekraft acylation, alkylation. In this electrophile is Cl. मैं लिख रही हूँ अलग से, आप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करो, दो प्रोडक्ट बनाओ, पैरा विल बी मेजर, ऑर्थो विल बी माइनर. सीएल ऑर्थो पोजीशन पे भी अटैक करवाओ, वन रिएक्शन में लिख रही हूँ. तो सीएल इस केस में OCH3, ये ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है. जैसे इस केस में सीएल का अटैक करवाया है, यहाँ पे NO2 का अटैक करवाओ, यहाँ पे SO3H का टैग करवाओ, यहाँ पे CH3 का करवाओ, यहाँ पे CH3CO का करवाओ. अरे अब आपको ये ही नहीं पता कि किस रिएक्शन में क्या इलेक्ट्रोफाइल है. अरे अब ये सारे मैंने इलेक्ट्रोफाइल लिख दिए हैं. इस रिएक्शन में Cl है, देन NO2 है, देन SO3H है, यहाँ पे CH3 है. जैसे Cl ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आया है, इस रिएक्शन में ये लोगे NO2 ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ जाएगा. इस ये पर्टिकुलर रिएजेंट होगा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे SO3H आ जाएगा. अगर ये पर्टिकुलर रिएजेंट होगा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे CH3 आ जाएगा. ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर रिएजेंट होगा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे COCH3 आ जाएगा. इसे कहते हैं हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडरग्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडरग्राफ्ट एसाइलेशन. हरी अब जल्दी करो, ये हमने फिनॉल्स में भी करी, ये हमने हेलोरीन्स में भी करी, और तीनों में ही आएगी फ्रीडरग्राफ्ट एसाइलेशन. ये प्लस वन में भी करी थी अकेली बेंजीन लेके, अब हमने एक ऑर्थो पैरा ग्रुप लगा दिया. जल्दी बनाओ प्रोडक्ट, हाथ चलाओ तभी आपकी वो रिंग्स बनेगी आपसे. हरिया हरिया गुंजोल ड्रॉ. और जब ये अटैच करते हो, ये इस कार्बन से अटैच होता है. जैसे कि अगर मैंने ऑर्थो प्रोडक्ट बनाना हो तो आई विल ड्रॉ लाइक दिस, COCH3 ऐसे अटैच करो, ये ऑर्थो है, ऐसे ही पैरा प्रोडक्ट बनाओ. ठीक है, चलाओ यहाँ माइक मुझे उतारना पड़ेगा वहां तक तो जाना. बहुत आलसी है, बहुत ज्यादा.
बस क्वाइट, ड्रॉ कर लिए स्ट्रक्चर सारे, जल्दी करो फिर। गुंजोर ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। जब हमने फिनॉल करे थे तब भी, जब हमने हेलोरीन्स करे थे तब भी ये रिएक्शंस आई थी। अब मैंने आपको बोला था एंड में आपको मैंने डिस्टिंग्विश टेस्ट करवाने, सबसे पहले अल्कोहल का एक टेस्ट हम कर चुके हैं जिसे कहते हैं लूकस टेस्ट। लिखो लूकस टेस्ट। टेस्ट का अलग से चार्ट बनाओ। हाँ जी, एमसीक्यू में पीछे से दस दी रहनी है, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। लूकस टेस्ट, अरे अब फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, फॉर द डिस्टिंग्विश ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, फर्स्ट रिएजेंट इज लूकस टेस्ट। फॉर प्राइमरी लूकस टेस्ट का रिएजेंट है बेटे जिंक सल्फाइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। राइट डाउन द रिएजेंट फॉर द लूकस टेस्ट इज जिंक क्लोराइड प्लस HCl। राइट डाउन, टेस्ट पे एक MCQ बन के आ ही जाता है। फ्रॉम द प्राइमरी अल्कोहल देयर विल बी नो टर्बिडिटी व्हेन यू विल ऐड दिस रिएजेंट। टर्बिडिटी विल अपियर व्हेन यू विल डू हीटिंग। हां टू ये ठीक है। राइट डाउन फॉर द प्राइमरी अल्कोहल नो टर्बिडिटी एंड टर्बिडिटी अपियर्स ओनली आफ्टर हीटिंग। टर्बिडिटी होता है धुंधलापन। अल्कोहल ट्रांसपेरेंट होता है ठीक है, फिर जब ये रिएक्ट करेगा तो आपकी अल्काइल हैलाइड बन जाएगी। अल्काइल हैलाइड थोड़ी सी वाइट कलर की होती है, तो आपको आपका जो मिक्सचर है वो धुंधला सा हो जाता है, दैट इज टर्बिडिटी। फॉर सेकेंडरी अल्कोहल राइट डाउन टर्बिडिटी अपियर्स आफ्टर 10 मिनट्स। टर्बिडिटी अपियर्स आफ्टर 10 मिनट्स। फॉर टर्शरी अल्कोहल टर्बिडिटी अपियर्स इमीडिएटली। टर्बिडिटी अपियर्स इमीडिएटली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इज विक्टर मेयर टेस्ट। राइट डाउन विक्टर्स मेयर टेस्ट एंड दिस टेस्ट इज ऑल्सो टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। यहां पे प्राइमरी अल्कोहल बनाओ जैसे ये वाला, यहां पे सेकेंडरी अल्कोहल, यहां मैं यहां टूर बाद में बनाऊंगी आपके लिए एक बारी कि आपको पता चलेगी ये सेकेंडरी है। देन देयर इज टर्शरी। गुंजोत बनाओ जरा स्ट्रक्चर बनाओ बेटे तभी कुछ होएगा। प्राइमरी की आपने ब्रैकेट में एग्जांपल लिख लो जैसे कि इथेनॉल, पता ही नहीं चलना पेपर में क्या है, फिर लिखो इथेनॉल
या कोई भी ऐसे कुछ भी हो जाए ना, सेकेंडरी की एग्जांपल दो, सेकेंडरी की एग्जांपल। सही है, लिखो प्रोपेन टू ऑल, सबसे बनाओ प्रोपेन टू ऑल का। टर्शी की एग्जांपल दो, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाओ, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल। सुनते हैं ना भी आगे, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल जिसे कहते हैं टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, टू मिथाइल प्रोपीन टू ऑल को टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल कहते हैं, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसे टू मिथाइल प्रोपीन टू ऑल कहते हैं। सबसे पहले इन सब को रिएक्ट करो पी आई थ्री के साथ। पी आई थ्री कैसे बनता था? फॉस्फोरस प्लस आयोडीन से, तो हमें देते थे पी आई थ्री। अब यहां पे जाएगा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, जब अल्कोहल से हेलोजन रिप्लेस करे थे याद है, प्रिपरेशन में पीबीआर थ्री पीसीएल थ्री ऐसा कुछ लिया था अल्कोहल को, तो यहाँ पे ओएच की जगह पे अब आई आ जाएगा। चलो लेके आओ ओएच की, जहां जहां ओएच है वहां पे आई लेके आओ, हरिया जहां जहां ओ एच है वहां वहां आई लेके आओ। अब ये मैं टू लगा रही हूं, और मैंने इसको कंडेंस कर दिया बेटे, जहां टू था जहां थ्री था उसको कंडेंस कर दिया बस। वो नहीं करना, हमने टेस्ट में शो नहीं करना, आपने बस मेन प्रोडक्ट बनाओ पहले। बन गया सबका? अरे आप इंजॉय बनाओ, जो बोर्ड पे लिखे हैं सब करो। हो गया, अब इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाओ ए जी एन ओ टू के साथ। एरो के ऊपर ऐसे लिखो, नीचे से चलता रहेगा ए जी एन ओ टू। अब ये आई चला जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, और ये एनओ टू यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? आर सी एच टू एनओ टू, आर सी एच टू सी एच एनओ टू एंड आर थ्री सी एनओ टू। ओके, अब इन तीनों को, ये जो आपके नाइट्रो एल्केन, ये क्या बने? नाइट्रो एल्केन बने हैं सारे, पता है हमने अल्कोहल से शुरू करे, पहले हेलो एल्केन बनाई, हेलो एल्केन की प्रिपरेशन कर दी, हम करते आ रहे हैं अल्कोहल से। अल्कोहल की प्रिपरेशन याद करो, अल्कोहल से हेलो एल्केन प्रिपेयर करने के लिए ग्रुप्स प्रोसेस करते हो, डार्जन प्रोसेस करते हो, PCl5, PCl3, Br5 वो ही कराइए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाई है, तो ये बन गया। अब ये जो बना है, थोड़ा मैं ऊपर कर रही हूँ, यहाँ पे बना रही हूँ, आपने कॉन्टिन्यूस नीचे ही रखना है इसको। ठीक है, इसको आपने HONO नाइट्रस एसिड से ट्रीट करना है।
नाइट्रस एसिड कब बना था? नाइट्रस एसिड कब बना था? NaNO2 प्लस HCl से बना था नाइट्रस एसिड. तो दिस इज दैट नाइट्रस एसिड जब हमने सैंडमेयर और गैटरमैन रिएक्शन करी थी. नाइट्रस एसिड आ गया. अब ये नाइट्रस एसिड इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसकी कहानी यहां पे खत्म, क्योंकि इसके पास यहाँ पे कोई भी और बॉन्ड वेकेंट नहीं है कनेक्ट कर सके. ठीक है, अब आज जो इनके साथ क्या होता है, ये दो हाइड्रोजन चले जाएंगे बेटे, ये दो हाइड्रोजन चले जाएंगे, और यहां पे आ जाएगा सी डबल बॉन्ड एन ओ एच. और इसमें एक ही हाइड्रोजन है, वो एक हाइड्रोजन जाएगा, इसलिए सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ओ आएगा. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ. इसको जब आप KOH में, वो तो रिएक्ट किया ही नहीं, वो तो यहाँ ही खत्म होगी. चलो फिर भी हम इसको KOH में डाल दें. अब सबको KOH में डालोगे, जब ये KOH में डालोगे तो इट विल गिव यू ब्लड रेड कलर. जब ये KOH में डालोगे इट विल गिव यू ब्लू कलर, और जब ये के ओ एच में डालोगे तो ये तो रिएक्ट किया ही नहीं था, तो ये कलरलेस ही रह जाएगा. कलरलेस आपने याद रखना है बेटे, विक्टर्स मियर्स का रिजल्ट क्या है, प्राइमरी अल्कोहल गिव यू ब्लड रेड कलर, सेकेंडरी अल्कोहल विल गिव यू ब्लू कलर, टर्शियरी अल्कोहल विल गिव यू कलरलेस सॉल्यूशन विद KOH. ठीक है, समझ आ रही है? प्राइमरी अल्कोहल विल गिव यू, सेकेंडरी अल्कोहल विल गिव यू, टर्शियरी विल कलरलेस. द रिएक्शन इज फर्स्ट अब वी आर ट्रीटिंग विद Pi3, देन विद AgNO2, then with nitrous acid, and then dissolving the resulting solution into KOH. पहले हमने अल्कोहल से हेलो एल्केन बनानी है. हेलो एल्केन से हमने क्या बनाना है बेटे? नाइट्रो एल्केन. नाइट्रो एल्केन से एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद आपकी कलरेशन आएगी. आपको ये MCQ में इसका एंड पॉइंट पूछा जा सकता है. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट टेस्ट आ जाओ. हाउ यू विल डिस्टिंग्विश अगर दो प्राइमरी अल्कोहल आ जाए, मतलब मिथाइल अल्कोहल बेसिकली होते हैं वो. आइडोफॉर्म टेस्ट लिखो. चलो नेक्स्ट इज आइडोफॉर्म टेस्ट. IODOFORM, आइडोफॉर्म टेस्ट. क्या
एक्चुअली ये जो टेस्ट है बेटे, ये एक रिएक्शन आती है हेलो फॉर्म, उसमें से सिर्फ हम आइडो फॉर्म की बात करेंगे। आइडो फॉर्म क्या है? क्लोरोफॉर्म सुनिए, बस जब क्लोरीन लगी हो तो क्लोरोफॉर्म, जब आयोडीन लगी हो तो आइडो फॉर्म। ठीक है, अगर क्लोरीन लगी है तो हम क्या कहते हैं? सी और साथ में एच, सी एच सी एल थ्री, तो यहाँ पे आयोडीन लगी होगी, दैट इज व्हाई इट इज आइडो फॉर्म। ब्रैकेट में लिखो इस टेस्ट में क्या बनेंगे, येलो पीपीटी ऑफ आइडो फॉर्म, दैट इज सी एच आई थ्री, येलो पीपीटी ऑफ आइडो फॉर्म दैट इज सी एच आई थ्री। ये जब हम हैल्डिहाइड कीटोन्स भी करेंगे तब भी ये रिएक्शन पेपर में आती ही आती है। ठीक, वैसे ये रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए ही होती है, मगर एल्कोहल की अगर हम ऑक्सीडेशन करवा दें और एल्डिहाइड कीटोन बना दें, उसके बाद ये रिएक्शन एल्कोहल के ऊपर भी लगाई जाती है। ठीक है, इस रिएक्शन में कौन रिएक्शन देता है बेटे? जैसे पहले मैंने NaOH लिया, उसको आयोडीन के साथ रिएक्ट करना है। वैसे मैं क्लोरीन्स के साथ भी रिएक्ट कर सकती हूँ, तो आई विल गेट NaOI प्लस NaI। अब एरो के ऊपर या तो NaOH प्लस आयोडीन लिखा होगा आयोडीन फॉर्म के लिए, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी लिख लो, ठीक है, या NaOI लिखा होगा। समझ आ रही है? तो आपका जो रिएक्टिव रिएजेंट है वो क्या है, NaOH आई टू, ठीक है, या एरो के ऊपर क्या होगा, NaOI, मतलब ये अल्कोहल इसके साथ रिएक्ट करवाई जा रही है। किसके साथ? या लिखा होगा NaOH प्लस आई टू, या सीधा लिख देते हैं NaOI के साथ। ठीक है, अब कौन सी अल्कोहल, एक्चुअली ये अल्कोहल रिएक्शन नहीं देते, अगेन आई एम सेइंग, ये एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। ठीक है, क्योंकि एल्कोहल की हम ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन से, इसलिए इस रिएक्शन को इसमें कंसीडर किया जाता है। जिस कार्बन के साथ OH लगा है उसके साथ वाली कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन होना जरूरी है। ये टेस्ट वही अल्कोहल देगी जिस अल्कोहल में, जिस कार्बन के साथ OH लगा है उसकी साथ वाली कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन हो, जिसे कहते हैं मिथाइल अल्कोहल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि इथेनॉल, उसकी साथ वाली कार्बन के साथ क्या है, तीन H लगे हुए हैं। ठीक है, ये जो साथ वाली कार्बन है, जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी, मान लो इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ये एल्डिहाइड बन गया, बन गया। अब ये कौन सा एल्डिहाइड बन जाएगा, CH3CHO। आपने कुछ नहीं करना, जब भी एल्डिहाइड बनाना है आपने दो हाइड्रोजन रिमूव कर देने हैं, तो क्या बन जाएगा, CH3CHO। ठीक है, ऑक्सीडेशन हुई है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुई है। अब एरो के ऊपर लिखा आ गया आपको NaOI, तो ये जो साथ वाली CH3 है इससे बन जाता है बेटे आइडो फॉर्म, जिसके येलो पीपीटी है, और ये जो बाकी कार्बन बचते हैं, क्योंकि ये अभी एल्डिहाइड बन चुके हैं मान लो, ठीक है, ये बाकी कार्बन बचता है, ये इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है, और अगर एक कार्बन है तो फर्दर ऑक्सीडेशन होके फॉर्मिक एसिड बनाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है, तो इधर साथ में सॉल्ट बनाएगा। समझ आ गई है बेटे? ये जब हम एल्डिहाइड कीटोन्स करेंगे ना, ये एल्डिहाइड कीटोन्स की एक ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी है। आपको पता है कि एल्डिहाइड कीटोन ऑक्सीडाइज होके एसिड बनाते हैं, तो ये जो साइड टर्मिनल ग्रुप है CH3, ये तो आइडोफॉर्म बन जाता है, और ये जो बाकी ग्रुप बचता है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मगर क्योंकि ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में चल रही है, तो आपको पता है बेस प्लस एसिड गिव यू सॉल्ट, तो हम एंड प्रोडक्ट सॉल्ट शो करते हैं। समझ आ गई?
अब जैसे ये लिया मैंने इथेनॉल लिया, अब बनाओ प्रोपेनॉल, बनाओ। अब प्रोपेनॉल में ये देखो कि सात वाली कार्बन के ऊपर तीन एच हैं, नहीं है प्रोपेन वन ऑल में, पक्का नहीं है। तो प्रोपेन वन ऑल आपको ये टेस्ट नहीं देगी। अगर आपसे पूछा जाएगी हाउ यू विल डिस्टिंग्विश इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, तो इथेनॉल विल गिव यू आइडोफॉर्म टेस्ट, बट प्रोपेनॉल विल नॉट गिव यू दिस टेस्ट, क्योंकि प्रोपेनॉल में ये वाला बेटे CH3 CH2 OH है, जिस कार्बन के साथ OH लगे उसके साथ वाली कार्बन के पास टू हाइड्रोजन है, थ्री नहीं है, ठीक है। अब ये ऐसे नहीं आता एग्जाम में, MCQ में आपको फॉर्मूला गिवन होगा, जैसे इसका लिखा होगा C3H8O, C3 ठीक है, H8O इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डजंट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट बट गिव लुकस रिएजेंट टेस्ट, ये गिव विक्टर मेयर टेस्ट, गिव ब्लड रेड विद विक्टर मेयर टेस्ट, व्हाट कैन बी द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपको ये पता है कि आइडोफॉर्म टेस्ट ये हमारे दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, जिसके पास मिथाइल ग्रुप है वही देता है, ठीक है, और जो ब्लड रेड कलर देता है तो वो प्राइमरी अल्कोहल होगा कहीं ना कहीं। इस तरह के क्वेश्चंस बन के आते हैं। वो तो अच्छा, आप मुझे बताओ आप प्रोपेन टू ऑल ये टेस्ट देगा, देगा प्रोपेन टू ऑल देगा, क्योंकि जिस कार्बन के साथ अब OH लगी है उसके जो आसपास दो कार्बन लगे दोनों के पास तीन हाइड्रोजन है, तो ये देगा। अगर प्रोपेन टू ऑल है तो ये टेस्ट देगा, समझ आ रही है। क्या कंडीशन है इस टेस्ट की, कि जिस कार्बन के साथ OH लगी है उसके साथ वाली कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन होना जरूरी है, इसे मिथाइल कहते हैं, मिथाइल ग्रुप होना जरूरी है। समझ आई कुछ। अब आ जाओ फिनोल एल्कोहल में डिस्टिंग्विश टेस्ट आ जाए तो क्या करना है। हमने एल्कोहल के सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट देख लिए, अब बनाओ कि एल्कोहल और फिनोल को डिस्टिंग्विश करना हो तो कैसे करें। इतनी जल्दी आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। कौन पता नहीं, एल्कोहल एंड फिनोल, राइट डाउन नाउ डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन बेटे एल्कोहल एंड फिनोल। शुरू करो। जो एल्कोहल सी बोथ की प्रॉपर्टी आपने एसिडिक करी है, चाहे वो अल्कोहल है चाहे वो फिनॉल है, पर हमने कहा कि अल्कोहल कम एसिडिक है एज कंपेयर टू फिनॉल। अल्कोहल एसिडिक करैक्टर सिर्फ इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल की प्रेजेंस में ही शो करते हैं, अल्कलीज की प्रेजेंस में शो नहीं करते राधिका, ठीक है। तो अल्कोहल डजंट टर्न ब्लू लिटमस रेड, राइट डाउन फर्स्ट टेस्ट।
Alcohol doesn't turn blue litmus red, but phenol turn blue litmus red. But phenol will turn blue litmus red. Write down, alcohol doesn't give azo dye test, but phenol gives azo dye test. Azo, azo, dye, dye test. Ab ye azo dye hota kya? Chalo banao diazonium salt. Hurry up. This is diazonium salt. Plus phenol. Isse nikalo HCl bahar. Theek hai? Yeah. ये जो डाई बनती है बेटे, इट इज ऑरेंज रेड डाई, और ऐसी डाई अल्कोहल के साथ नहीं बनती. एजो लिंकेज आ जाती है. अगर आप ये कॉम्प्लेक्स को अगर किसी कपड़े पे डालोगे ना, तो वो ऑरेंज ये रेड कलर देगा, वो डाई कहते हैं उसे. चलो carry on with the distinguished test and then we'll start with the biomolecule.